जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। व्हाट्सएप के लगेंगे अब पैसे। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और आप भी व्हाट्सएप यूज़ से मैसेजेस पहुँचाते रहते हैं, तो अब से आपको व्हाट्सएप के पैसे देने होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये मार्क जकरबर्ग का एक फेसबुक पर अभी नया अपडेट आया है और उसके तहत ये बात सामने आई है। और साथ ही फेसबुक ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ये बात साझा करी है कि आने वाले समय में व्हाट्सएप के लिए आपको पैसे तक देने पड़ सकते हैं। हालांकि ये कितना पैसा लगेगा इसकी कोई अभी औपचारिक जानकारी नहीं आई है। साथ ही ऑफिशियली रूप से भी अभी व्हाट्सएप के ऊपर कितना चार्ज लगाया जाएगा इस विषय पे भी कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि व्हाट्सएप आने वाले समय में जिस पॉपुलैरिटी और जिस तरह लोकप्रिय हो रहा है, उस तरीके से व्हाट्सएप का इंडिया में पेड वर्जन जल्द ही आने वाला है। आपको बता दें, व्हाट्सएप की लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ पर रोजाना एक दिन में पूरे विश्व में 100 बिलियन से भी ज़्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं अकेले व्हाट्सएप पर। सोशल मीडिया का कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा मैसेज पहुँचे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2017 में 63 बिलियन मैसेज एक दिन में पहुंचाए जाते थे, वही 2018 में यहां आंकड़ा बढ़कर 75 बिलियन हो चुका था। वही 2019 में 100 बिलियन मैसेजेस पर डे पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप आने वाले समय में कितना पॉपुलर होने वाला है। 2020 और 21 में इसकी संख्या 150 बिलियन को भी पार कर जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, व्हाट्सएप के दुनिया भर में अभी तक 5 बिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन जो मैं व्हाट्सएप के पेड वर्जन की बात कर रहा था, यहाँ व्हाट्सएप के बिजनेस वर्जन की हो रही है। यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सएप पेड वर्जन होने जा रहा है, यानी कि आपको पता ही होगा व्हाट्सएप दो फीचर में लॉन्च हुआ है, जिसमें एक नॉर्मल व्हाट्सएप है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है, वही एक बिजनेस व्हाट्सएप भी होता है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए डाउनलोड किया जाता है। और मार्क जकरबर्ग और फेसबुक के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से इसी व्हाट्सएप बिजनेस की बात चल रही है। जल्द ही व्हाट्सएप बिजनेस का नया अपडेट पेड वर्जन के साथ लोगों के बीच आने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ शुल्क चुकाना हो सकता है। हालांकि फेसबुक की तरफ से क्या शुल्क लिया जाएगा ये अभी तक शो नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका चार्ज इंडिया में 99 रुपीस पर मंथ हो सकता है या फिर इससे भी कम हो सकता है। खैर, वो तो समय ही बताएगा कि कितना इसका वर्जन का चार्ज होता है। वैसे भी बिजनेस व्हाट्सएप आज नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं रहा। यहाँ बिजनेस को मार्केटिंग का, बिजनेस को बढ़ाने का, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अनेक काम करने का जरिया बन चुका है। यानी कि बहुत सारे बिजनेस व्हाट्सएप के द्वारा फल फूल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि व्हाट्सएप भी इस पर नज़र गड़ाए हुए है। और आने वाले समय में व्हाट्सएप बिजनेस में आपको कई फीचर नए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पेड वर्जन होने के बाद व्हाट्सएप चाहेगा कि इसमें नए फीचर जोड़े जाए जो कि बिजनेस मैन के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो जाए। खैर जो भी है, लेकिन आने वाले समय में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए व्हाट्सएप बिजनेस एक नए फीचर के साथ एक नए रूप में जल्द ही लॉन्च होगा। और शायद अभी प्ले स्टोर पर इसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है। अब वो देखना दिलचस्प होगा, यह अपडेट वर्जन पेड वाला रहा है या फिर कुछ फीचर के साथ अपडेट हुआ है।